हाँ जी, किन की डॉक्यूमेंट्री लेके आई हैं आप? लेखा टीवी की एक और डॉक्यूमेंट्री शेरे पंजाब के बारे में, महाराजा रणजीत सिंह की। तो चलिए चेक करते हैं, ये देखते पार्ट हैं, वन है अभी। मामले पंजाब की तारीख है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 अप्रैल 1780 विच गुजरांवाले दे सरदार महान सिंह हुरां दे घर होया। रणजीत सिंह की उम्र अजे 12 वरे ही सी कि महान सिंह हुरी दुनिया तो किनारा कर गए। इंज 1792 विच गुजरांवाले दी मिसल शक्कर चकियां दी सरदारी रणजीत सिंह दे सपुरद हो गई। प्यो दी मौत, सिख बरादरी दी लड़ाइयां ते साजिशां ने जिथे रणजीत सिंह नूं हसास ते उम्रों अगे सियाणा बना दिता, उथे ही इह ख्याल भी उहदे नाल नाल परवान चढ़दा रहा कि क्यों ना पंजाब दे लोकां नूं एक मुठ करके एक मजबूत ते ताकतवर रियासत बनाई जाए। जद रणजीत सिंह अपनी बरादरी नूं इकट्ठियां करन दी सोच लैके जवान हो रहा सी, इस दौरान लाहौर उत्ते अब्दाली सरदार शाह जमान दी हुकूमत सी। जद शाह जमान लाहौर बैठा पंजाब दे बागियां नूं टिकाणे लाउण दी सोच रहा सी, ठीक उस वेले काबुल विच उहदे खिलाफ बगावतां शुरू हो गईआं। उहनूं वापस परतण दा फैसला करना पिआ। वापसी लई उहने जेलम दा दरिया अपने तोपखाने सणे पार करना सी। नसीब माड़े, दरिया इन्हां दिनां अंदर पूरे जोबण उत्ते सी, लहरां उच्चियां ते बहाव तेज। शाहजमान अपने लश्कर सने दरिया ते पार कर गया, पर ओदियां बहुत सारियां कीमती ते ताकतवर तोपां दरियाए डुब गईयां। ए वड्डा फौजी नुकसान सी। हुण जे शेरजमान डुबियां तोपां वापस कढ़न लई पाणी नीवें होण दी उडीक करदा ते फिर काबल दे हालात हथों निकल जांदे। उन्हें इन्हां हालातों में सिख सरदार रणजीत सिंह नाल समझौता किया, जेकर वह इन्हां तोपां नूं कढ के काबुल पहुंचा देंदा है तो फिर लाहौर उत्ते उहदी हकूमत मन्नी जाएगी तो काबुल दीआं फौजां उहदे उत्ते परत के हमला भी नहीं करनगियां। उधर शाहजमान दे वापस परतन नाल पंजाब दे हालात होर बिगड़ गए। पंगी सरदारां दीआं आपसी लड़ाइयां ते ना इतफाकी पारों अमन बर्बाद हो के रह गया। लाहौर जिहड़ा तजारत दा वड्डा मरकज सी, उत्थे लुटेरियां लुकाई दा जीना हराम कर छड्डिया। इस दौरान रणजीत सिंह दी इकल्ली आस सी जिहड़ा सिख मिसलां नूं इकट्ठियां करके एक वड्डी फौज दा रूप धार रिहा सी। हुण चौंके रणजीत सिंह नूं अफगान सरदारां दी हमायत भी हासिल सी, सो रणजीत सिंह ने लाहौर उत्ते हमला कीता ते उहदा साथ मुकामी लाहौरियां भी दित्ता जिहड़े हालात तों पहलां ही तंग सन। रणजीत सिंह दे हमले तो बाद कई पंगी सरदार जान बचा के अमृतसर वल नस गए ते बाकी बचिया सरदारां अपने सिपाहियां सने हथियार सुट दिते। इंज जुलाई 1799 च लाहौर बगैर किसी खून खराबे तो फतह कर लिया गया, जद रणजीत सिंह दी उम्र सिर्फ 22 वरे सी। रणजीत सिंह नूं 1801 विच विसाखी दे मेले दे मौके उत्ते महाराजा दा खिताब दिता गया ते बकायदा ताजपोशी कीती गई। हुण रणजीत सिंह दीआं फतूहात दा सिलसिला अगे वध्या ते जम्मू, झंग, चनियोट ते नूरपुर वर्गे इलाके भी उहदी सल्तनत दा हिस्सा बन गए। रणजीत सिंह दे मूहरे हुण अमृतसर सी, जिन्हों 1803 अंदर जित लिया गया। अमृतसर फतह होया ते असले दे जखीरे दे नाल नाल जमजमा तोप भी माले गनीमत बनी, जिहड़ी अज माल रोड उत्ते पंजाब यूनिवर्सिटी दे सामने खलोती है। अमृतसर दी फतह तो बाद हिंदुस्तान दे मशरकी इलाकियां उत्ते काबिज अंग्रेजा दी परेशानी इस करके वध गई कि हुण एक वड्डे इलाके उत्ते मकामी लोकां दी हकूमत सी। अंग्रेज लई इस तो वड्डी परेशानी ये सी, उहदा सब तो वड्डा दुश्मन फ्रांसीसी शहनशाह नपोलियन बोनापार्ट जेकर रणजीत सिंह नाल गठ जोड़ करके हमलावर होया ते फिर कंपनी सरकार दा मक्कू ठप्पे आई समझो। अंग्रेज इसलिए खिलाफ
सो अंग्रेज सरकार ने तमाम तहफुजात के बावजूद रणजीत सिंह ने एक मुआहदा किया। अमृतसर विच होण वाले इस मुआहदे के मुताबिक अंग्रेज सतलुज तो अगे रणजीत सिंह की हुकूमत ते अमलदारी तस्लीम करेगा ते जवाबन रणजीत सिंह सतलुज के दूजे बन्ने अंग्रेजा लई कोई मुश्किल पैदा नहीं करेगा। जिंदगी में फिर अंग्रेज इधर नहीं आ सकता पंजाब पे, ये मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब ने बनाई है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। इसके दूसरे पार्ट का हमें इंतज़ार रहेगा क्योंकि सारा देखेंगे तो मज़ा आएगा, इसका भी बहुत मज़ा आया क्योंकि जो हम दूसरी डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हैं रणजीत सिंह महाराजा साहब के बारे में वो डिफरेंट है। ये उन्होंने बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ बताई है, उन्होंने ये नहीं बताया कि नई चीज़ें भी पता चली, बहुत नई चीज़ें पता चली। एक तो ये कि वो जो शेर जमान था उसका अब्दाली का जो नुमाइंदा यहाँ पे उसके साथ मुआहदा हुआ था तो उसने यहाँ की हुकूमत दी थी पंजाब की उनको लाहौर की। अच्छा तो मतलब कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई उनका जीता नहीं, जान निशान नहीं। एक तो ये बात पता चली है, दूसरी बात ये कि अंग्रेज़ क्यों नहीं आया पंजाब में उनके डर से। उन्हें यही था कि अगर इसने नेपोलियन बोनापार्ट के साथ गठजोड़ कर लिया तो फिर अंग्रेज़ तो भाग जाते हैं, उन्हें भागना पड़ता है यहाँ से बाकी जगहों से। तो इसलिए मज़ीद तफसील पता चलेगी अगले पार्ट में भी। बहुत ये वजह भी है कि असल में जो तारीख बेशक पढ़नी चाहिए, सारा कुछ समझनी भी चाहिए, लेकिन इसी वजह से मैं थोड़ा सा इससे परहेज भी करता हूँ क्योंकि अपनी अपनी मर्ज़ी से हर एक ने अपना अपना एक वर्जन रखा हुआ है तारीख का। तो इतिहास जिसे हम कहते हैं, जो भी है इसको कहा जाए, हिस्ट्री जो भी है, तो वो इसलिए उस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेशक तस्दीक शुदा भी हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ यानी मिला जुला हुआ है, मिलावट हुई भी है। तो इसलिए हाँ, सुन ले बंदा, जान ले, ठीक है, कुछ अरसे के लिए मज़ा आता है सुनने का, ठीक है, इंजॉय कर लेता है। अब जब मुख्तलिफ चीज़ें सुनते हो ना तो आप खुद भी जेन से कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सी चीज़ जो है लॉजिकली ठीक है और कौन सी नहीं है। कुछ चीज़ लोगों ने जिन्होंने बिल्कुल जज्बात में आगे लिखी हुई हैं वो और हैं और जो हकीकतें जो बयान करते हैं वो और हैं। तो असल हकीकतें तो ये लग रही हैं कि वाकई इस तरह हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि और इतना अच्छा स्टाइल है उनका बोलने का, मैं ये जरूर कहने लगा था कि बोलने का तरीका बड़ा अच्छा, वो बहुत अच्छा है, लिखा भी जो गया है बहुत अच्छा लिखा गया और ये सुलझे तरीके से और बहुत ही मज़ा आया उसको सुन के भी और समझने, मतलब समझा दिया उन्होंने ना। और जो उन्होंने वो एनिमेशन डाली हुई थी उसमें सारा कुछ बेशक एक तस्वीरें जो आप कह रही थी कि वो किसी और की थी, वो थी महाराजा दिलीप सिंह की तस्वीरें थी, एक बचपन की और एक उनकी जवानी की, वो महाराजा रणजीत सिंह के बेटे हैं, उसे तो मुशाबत होती है, तो इस वजह से उन्होंने तस्वीरें डाल दी और नहीं मिली होगी। तो चले, हमें तो इंतज़ार रहेगा, अगला पार्ट देखेंगे फिर उसे तक और कुछ चीज़ें जानने को मिले। बिल्कुल, तो बाकी देखें आप भी, आप भी हो सकता है देखनी चाहिए, हाँ आपको भी हो सकता है कि नई चीज़ों के ऊपर चले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, डब रखें।